गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली व्लॉगर प्रगति। और यहाँ मैं कहते हैं बच्चों के जाने के बाद तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की, जो कि बना रही हूँ मैं भिंडी। तो बस भिंडी मैंने कट कर ली थी और प्याज कट कर ली थी। तो भिंडी में हमेशा अजवाइन से छौंकती हूँ, तो इसमें अजवाइन डाली है मैंने और थोड़ी सी हींग डालूंगी। और फिर जो मैंने प्याज काटी है उसमें हरी मिर्चें काटी हैं, तो इसमें मैं भून लूँगी तेल में। और इधर दूध भी आ गया था, सुबह का टाइम था, तो दूध भी मैंने बॉईल करने रख दिया है। और सुबह सुबह का टाइम यार बहुत हैक्टिक वाला होता है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं, बिकॉज हस्बैंड का टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन। तो बस यहाँ टिफ़िन की प्रिपरेशन मेरी 10 बजे तक चलती रहती है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 10 बजे, तो उसके बाद कहीं जाकर मैं फ्री होती हूँ किचन से। तो बस यहाँ पर मैं अपनी प्याज जो है अच्छे से भून लूँगी। और दूध भी मेरा जो मैंने आपको बताया वो हो रहा है स्लो गैस पे, मैंने तेज़ नहीं रखा है क्योंकि हर बार निकल रहा है दूध, को पता नहीं क्या हो गया, जब भी ध्यान ना दो तभी निकल जाता है, तो मैंने स्लो आंच पर ही रखा है। और ये भिंडी देखिए मैंने यहाँ पे काटी है थोड़ी सी, ना कहते हैं रेक्टेंगल डायमंड शेप में, तो ये कहते हैं सॉरी रेक्टेंगल नहीं डायमंड शेप में। और इसमें ना इसमें आप ऐसे करके आधा नींबू निचोड़ कर उस पर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगी, उसको मिला देंगी ना अपने हाथ से भिंडी को, तो इससे हमारी भिंडी जो है ना बहुत अच्छी और क्या कहते हैं खिली खिली भिंडी बनती है, मतलब चिपचिपी नहीं होती है। जो आपका एक लिसलिसापन जो होता है ना भिंडी में वो नहीं होगा अगर इस तरीके से आप इसमें नींबू लगा लोगे। और इसमें फिर आपको ना कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कच्ची कैरी, खटाई पाउडर वगैरह कुछ भी, बस इसमें नींबू सफिशेंट हमारा रहता है। तो ये मैंने हाफ लेमन इसमें स्क्वीज़ करके इसमें डाल दिया और इसमें अच्छे से मिला दिया है। और इधर बस मेरी भिंडी का जो प्याज था वो भुन चुका है, बस इतना ही भूनना है मुझे, ज़्यादा नहीं भूनना। उसमें मैं जो रूटीन के स्पाइसेस रहते हैं बस वही डालूंगी। रूटीन के स्पाइसेस में इसमें धनिया पाउडर तो जाता नहीं है, इसमें केवल जाती है सौंफ, तो मैंने सौंफ ले लिए, हल्दी, मिर्च और गरम हल्का सा गरम मसाला और नमक। और बस इसको हम अच्छे से कहते हैं भून लेंगे। और भूनने के बाद कहते हैं हम अपनी भिंडी इसमें डाल देंगे और बिना पानी के ही हम इसको पकाएंगे बार बार। और भिंडी हमें हर 1-2 मिनट में चेक करनी है और चलानी है हमें, उसके बाद कहते हैं हमारी भिंडी जो है कहते हैं इसी तरीके से हमें 5-6 मिनट तक चलानी होती है, और फिर क्या कहते हैं हमारी भिंडी पककर रेडी हो जाती है। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स इसलिए करना होता है कि ताकि मसाले जो हैं हमारे वो सब हमारी भिंडी के अंदर चले जाएं। और बस अब हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और बस थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं, तो देखिए कहते हैं भिंडी जो है हमारी बन रही है बिना पानी के, तो ये नीचे लग ना जाए इसका मसाला, इसलिए हमें बार बार इसको चलानी है। और बस भिंडी बनने के बाद मेरा दूध भी बॉयल हो गया था इस बीच में, और मैंने बस खाना भी सेक लिया था और हस्बैंड को टिफ़िन दे दिया था लगाकर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और बस कहते हैं हस्बैंड चले गए, और ये देखिए बच्चों ने क्या करा है, बच्चे गए हैं कोचिंग, और आज था बच्चों का सुबह का कोचिंग, तो बच्चे चले गए हैं। और बच्चों को नाश्ते में मैंने परांठे दे दिए थे, और परांठे के साथ साथ बाहर से चने आलू आए थे क्योंकि कोई सब्जी रखी नहीं थी लेफ्ट ओवर। तो बस कहते हैं बच्चे चले गए हैं कोचिंग, और बनाई है मैंने लंच में आज भिंडी और परांठे जैसे कि आपने देखा। तो हस्बैंड भी चले गए हैं शॉप, और बजे हैं समय 10:30। तो बस कहते हैं मैं थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, और उसके बाद कहते हैं बच्चे आ जाएंगे और कुछ काम करेंगे, और फिर थोड़ी देर खाना खा के सोएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग गाइस। और बस गुड इवनिंग गाइस, और बस हम लोग सो गए थे दोपहर को, बच्चे आए थे 12 बजे, और खाना खा के हम लोग सो गए थे। और वाटरमेलन हम लोगों ने काटा था क्योंकि हस्बैंड लाए थे, तो बस वही खाकर फिर सो गए सब लोग। और जीत पढ़ाई कर रहा था, फिर बाद में उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, सोने आ गया था, और ऊपर सोए थे हम लोग। और जस्ट अभी नीचे उतर के आए हैं, और मैं बनाने जाऊंगी चाय अपने लिए, और दिव्यांशु लेटा है।
ये रहा। और पता नहीं इसके फेस पे कुछ लग रहा है। और बस अब बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए चाय। देखिए ये अभी भी यहाँ पे आके नीचे से तुरंत सो गया है। और आज पता है गाइस, मैंने इन दोनों को भी नहला दिया था, गर्मी बहुत हो रही है। कितनी क्यूटीज हैं ये। और यहाँ गाइस मेरी शाम की चाय बन रही थी। और मुझे ना चाय में ऐसे झाग करके पीना बहुत पसंद है। सो गाइज वेलकम बैक। और इतनी देर से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कुछ किया ही नहीं था, तो शूट क्या करती, बैठे हुई थी आज। और कहते हैं डिनर भी आज कुछ नहीं बना क्योंकि किसी के यहाँ गर्मी इतनी हो रही है तो किसी का कुछ खाने का मन नहीं था। मैंगो शेक बनाया, बस वही पी लिया। और कहते हैं बस भगवान जी को सुला दिया है, हस्बैंड गए ऊपर। और पता है सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जाना है कहीं पर, तो क्या कहते हैं 7 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो क्या कहते हैं इस चक्कर में कहते हैं अब हस्बैंड बोल रहे हैं जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना है। और 7 बजे वहाँ से होके फिर कहते हैं जाना है हमें, 8 से 11 PTM है बच्चों की, तो बस PTM अटेंड करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ कल मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है क्योंकि उस दिन कहते हैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया था। और उसका नेक्स्ट डे क्या कहते हैं बस बच्चों की PTM है, तो PTM हम लोग निपटा कर आए। और जल्दी से बस मैं किचन में आई और किचन में मैंने ये जो है दूध बॉयल किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने घी डाला है, देसी घी। उसमें मैं बना रही हूँ अपने आलू टमाटर और ग्वार की फली, जैसे कि अभी आपने देखा रखे हुए थे। तो मैंने बस रात को ही फलियाँ छील के रख दी थी और बस अभी मैं छौंक रही हूँ। तो टमाटर आलू जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, हींग जीरे से और हल्दी मिर्च गरम मसाला डाल के मैं छौंकती हूँ। और टमाटर भी मैं सबको साथ में डाल देती हूँ, हरी मिर्च टमाटर आलू, बस ये मैंने जीरा डाला है। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर आलू रेडी हो जाएंगे। और बस यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और उसमें सरसों का तेल डाला है। और सरसों का तेल डालने के बाद गरम हो जाएगा ये। गरम होने के बाद में मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई मेथी, तो बस पिसी हुई मेथी से ही मैं छौंकती हूँ। वैसे तो साबुत मेथी भी डालते हैं लेकिन साबुत मेथी पता है बच्चों के हस्बैंड के मुँह में आती है तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वे कड़वे दाने से हो जाते हैं। और उसमें मैंने डाली है सूखी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी लगती है। और बस मैंने प्याज और हरी मिर्च जो है, प्याज में हरी मिर्च मैंने बाद में काटी थी, मैं भूल गई थी, तो ये मैंने हरी मिर्च और प्याज इसमें भून ली है। और बेसिक स्पाइसेस धनिया पाउडर, मिर्च मसाला, हल्दी और कहते हैं थोड़ा सा गर्म मसाला, नमक मैंने डाल दिया। और इसमें फली डाल देंगे और इसको करीब 10-15 मिनट तक स्लो गैस पर हम इसको भूनते रहेंगे और थोड़ी सी मैश करते रहेंगे इसको। मैश मीन्स हमें तोड़नी है कलची से, मैश नहीं करनी है, हलवा नहीं बनाना है। तो बस इसको इस तरीके से भूनते रहेंगे और ये करीब 15 मिनट तक भूनते हैं। और बस इस बीच में हस्बैंड को मैं नाश्ता दे दूँगी, सब्जियाँ मेरी रेडी हो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी मैंने कहते हैं सैंडविच दिए थे, आज उनका समर कैंप था। तो बस कहते हैं यहाँ पे आलू स्प्रेड कर दिए हैं मैंने, आप केचप चटनी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जल्दी का काम था तो थोड़ा सा जल्दी बन रहा था। और बस इसके ऊपर मैं देसी घी लगाऊंगी, आप चाहें तो बटर भी पिघला के लगा सकते हैं। तो बस ये टोस्टर मेकर में मैं सिकने रख दूंगी। और साथ साथ में बीच में जो है कहते हैं फलियाँ भी चला रही थी मैं अपनी, क्योंकि अगर इनको नहीं देखा तो फिर ये भी रह जाएंगी। उधर चाय बनने रख दी थी मैंने साथ में। और कहते हैं बस मेरी फली भुन चुकी हैं तो मैं इसको निकाल लूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं सैंडविच रखूँगी। तो बस यहाँ पे सैंडविच मेकर भी प्री हीट हो गया था, तो बस सैंडविच इसमें हम मैं थोड़ा सा घी लगाती हूँ, और ब्रश से बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बस कहते सैंडविच सिक जाएंगे और हस्बैंड को दे दूँगी मैं। और
और बस यहाँ फिर जल्दी से मैंने आटा लगा कर फटाफट से पराठे भी सेक लिए थे और हस्बैंड का टिफ़िन तैयार कर दिया था। और आज मेरी किचन में टिफ़िन में जाएगा हस्बैंड के लिए आलू टमाटर की सब्जी, ग्वार की फली और पराठा। तो गैस कहते हैं हस्बैंड चले गए हैं अभी, और मैं ऊपर आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, एसी ऑन करा है, और बस थोड़ी देर मैं लेटूंगी क्योंकि सुबह से 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ, और 5 बजे से उठने के बाद तब से कहते हैं बस कंटिन्यू काम कर रही थी। और बच्चे आ गए, जैसे कि आपने देखा समर कैंप आज से स्टार्ट हो गए, तो दोनों जल्दी आ गए थे, और हस्बैंड आपने देखा भी खड़े हुए थे, तो वो शॉप जा रहे थे टिफ़िन लेके। और कहते हैं अब थोड़ी देर बस लेटेंगे, आराम करेंगे। और खाने में मैंने इतना टेस्टी सा लंच बनाया, ग्वार की फली और टमाटर आलू की सब्ज़ी और पराठे सेके थे। और नाश्ते में मैंने बच्चों को आज सुबह चीज़ सैंडविच दिया था। हस्बैंड चीज़ सैंडविच नहीं खाते, उनको अच्छा है तो उनको सिंपल वाला दिया था, उनके पे चीज़ मैंने नहीं लगाई थी। तो बस कहते हैं यही हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, और चाय बनाई थी जो कि आपने देख ही लिया सब कुछ। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइस कहते हैं बच्चे खा रहे हैं खाना, लंच कर रहे हैं, और बस मैं उठ गई थी थोड़ी देर, जीत भी सो गया था, और मैं भी, मैं सोई तो नहीं थी लेकिन बस लेटी थी तो बस हल्की सी आँख लग गई थी। और बस लंच कर लिया हम लोगों ने, और दिव्यांश अपने नेल्स कट कर रहा है बाहर, तो क्या कहते हैं अब कहते हैं बच्चों थोड़ी देर, जीत तो पड़ ही रहा था इतनी देर से, और टीवी चल रहा है इधर, और अभी बजा है 1:50, तो अभी कोचिंग जाने है, बच्चों के टाइम है। और बस यहाँ मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धुल जाएंगे मेरे। सो गाइस बच्चे चले गए हैं कोचिंग, और बस कहते हैं आते हुए और बजे हैं समय 5:30, तो बस 5:30 बजे हैं, और बस अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। कुछ कपड़े आए थे प्रेस के, तो प्रेस के कपड़े लगा दिए हैं, और बर्तन बहुत सारे हैं। और मौसम आज पता नहीं आंधी जैसा हो रहा है, लाइट भी चली गई है, रैबिट्स बैठे हुए हैं, इनको भी बेचारों को बहुत गर्मी लग रही है। और एक टेबल फ़ैन है जो कि कहते हैं एक बिजली वाले हैं अंकल जी, इलेक्ट्रिशियन है, वो कहते हैं देके ही नहीं जा रहे हैं, करीब कहते हैं 20-25 दिन हो गए इन लोगों के लिए है वो पंखा, तो फिर रात को तो मैं अंदर रख देती हूँ इन लोगों को, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बेचारे परेशान हो रहे हैं, और पसीने में पता है मेरी बिंदी भी कहीं हट गई है। और कहते हैं बस थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया था, अपना वर्कआउट सुबह कर नहीं पाई थी तो मैंने अभी किया था, और बस वर्कआउट में थोड़ा सा सूर्य नमस्कार और थोड़ा किया था, जैसे प्लैंक है, लेग रेजेज है, साइकिलिंग है, और साइड प्लैंक है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, तो बस वही की थी मैंने। 1.5 घंटा हो गया था एक्सरसाइज करते करते, फिर थोड़ा सा घर कहते क्लीन करा, उसके बाद अब जा रही हूँ बर्तन धोने। ऊपर मशीन लगा के आई थी, कपड़े धो दिए मैंने, ये पड़ा है बर्तनों का ढेर पूरा। सो गाइस बच्चे आ गए हैं और मैंने चाय पी ली है, और बस कहते हैं अब बैठे हुए हम लोग, और बजे समय 7, तो अब थोड़ी देर के कहते हैं हम लोग बैठेंगे बातचीत करेंगे। और आज खाने में अभी तो कुछ नहीं बन रहा है, आज बाहर से चापे आएंगी तो बस उसी का ही डिनर रहेगा, क्योंकि आज जीत की डिमांड थी, बच्चों की बहुत फेवरेट है चापे, तो वीकली या फिर विद इन 10 डेज आ ही जाती है, तो कहते हैं आज मैं फ्री हूँ। और बस गाइस कहते हैं खाना लाए थे हस्बैंड, तो बस वही ये खा रहा है अपना फेवरेट फूड। गाइस कहते हैं हस्बैंड आ गए थे, और दिव्यांश डिनर कर चुका है, वो चला गया है ऊपर, और बस कहते हैं अब हम दोनों करेंगे, जिसमें कि हस्बैंड भी मना कर रहे हैं कि मेरा खाने का कुछ मन नहीं है, तो मुझे बस दूध दे दो एक गिलास, तो बस इनको मैं दूध दूंगी और बस मैं खाऊंगी,